ताऊ जी, यहाँ पे तो कोई आता नहीं है ना, तो ये कैसे हुआ है? पता नहीं होने किस तरह हो गया है, देखना पड़ेगा। ताऊ जी भी देख के हैरान है दोस्तों। काफी पुरानी हवेली है और इसकी कीज में ताऊ जी के पास है। चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक भूतिया भूतिया हवेली में, जो कि मेरे दूर के रिलेटिव्स की है। तो काफ़ी देर से बांध पड़ी है और मेरे ताया जी के पास उनकी कीज़ हैं। तो चलिए फिर अपने ताऊ जी को फ़ोन करते हैं और उनसे कीज़ लेते हैं और उस हवेली को एक्सप्लोर करते हैं। कल मैं अपने ताया जी के पास गया था और मैंने उनसे पूछा, उनकी कुछ बड़ी डरावनी स्टोरीज हैं जो कि मैंने उनसे कहा चलिए मैं कल ही पूछूंगा, और ही आज रात की भी नींद मेरी ख़राब हो जाती, तो आज तो जो होगा वो होगा। तो दोस्तों चलिए फिर चलते हैं उनके पास। मेरी उनसे बात हो गई है और मैं अब जा रहा हूँ उनके पास। तो फिर दोस्तों कीज़ लेने के बाद हम निकल पड़े, और तो चलिए फिर चलते हैं वहीं पे। इसके अंदर एंटर होने के काफ़ी दरवाजे हैं और ताऊ जी कीज़ लगा रहे हैं। ताऊ जी, इस वीडियो में सिर्फ 20% हवेली ही दिखाई है। अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि चलिए आपको इसके बाहर से दिखा दूँ। आप इसके बाहर से देख सकते हैं इसकी ये दो कामत हवेली जो है, इसमें काफ़ी अजीब ज़्यादा वाक़यात होते हैं। और जाहिर सी बात है मैं उन वाक़यात को तो नहीं ढूंढने आया, लेकिन मैं उनको एक्सप्लोर करने आया हूँ। उसकी आर्किटेक्चर जो इंजीनियरिंग की मिसाल है हिंदुओं की 250 से 300 साल पुरानी, और 1947 से ये हमारे पास है। और आप देख रहे हैं इसको, ये तकरीबन आप कह लें कि चार गलियों में लगती है। पहली एक दूसरी गली जा रही है, और अगर मैं इसकी फिर अगली साइड दिखाऊं जाके, ये गली के अंदर जाना पड़ेगा हमें, और ये इसकी सारी इसकी ये तीसरी गली जा रही है, और अब हम ये चौथी साइड में जा रहे हैं। ये सामने भी यही है, इसके इस तरफ भी तकरीबन दो तीन दरवाज़े हैं एंटर होने के। हर साइड पे इसके दरवाजे हैं, दो दो तीन तीन ये। और अगर मैं आपको इसके भी आगे जाके दिखाऊं, तो ये पिछले साइड में भी यही है, आप देख सकते हैं दरवाज़ा ना भाई लोग खुल गया है, और आप देखने लगे हैं तो जो पुश कर रहे हैं काफ़ी देर बाद उसको खोल रहा ओ के, और अंधेरे का समा है। अंदर जाने से पहले मैं कहा चले मोहल्ले वालों की कुछ सुनता हूँ उनकी स्टोरीज। काफ़ी लोग शर्माए और कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, एक्चुअली मैंने उनसे ज़्यादा नहीं बात की। जो हमारे साथ ही थी हवेली है, इसमें हमने कई वाक्य सुने हैं अपने बड़ों से। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सांप वगैरह होते थे, और उसके अलावा इधर चड़ेलें वगैरह होती थी रात के वक्त। 12 के बाद हमें ना घर से बाहर नहीं निकलने देते थे ज़्यादातर, कह रहे इसी वजह से ना। इस हवेली में बहुत कम ना रिहाइश के लोग आते हैं, हम अंदर अंदर भी नहीं जाके कभी हमने देखा इधर क्या है क्या नहीं। यहाँ पर एक बाबा था, वो कैसे नजर आया था? वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। अच्छा, हाँ जी। क्या टाइम था? दोपहर का टाइम था। हाँ जी। देखिए कुछ सांप वाली स्टोरीज ये तो उनकी अपनी बनी हुई है, लेकिन इसमें असेब है ये तो पक्की बात है। मैंने कुछ और लोगों से पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें शर्म आ रही है कैमरे के आगे आते हुए बड़े लोगों से। तो फिर मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखें कि ये अंदर जाते ही तीन दरवाजे हैं इसके स्टार्टिंग में ही, और अंधेरा हो रहा है तो इस दरवाजे को हम एकदम ओपन करते हैं और देखते हैं फिर अंदर। और ये पुरानी खटकती आवाज़, और आप देख सकते हैं कैमरा अंधेरे से एकदम इतनी रोशनी में है। और अच्छा, यहाँ पे सात वालों की ना हमने इन्होंने मुर्गियाँ रखी हैं, क्योंकि बस नीचे वाले पोर्शन में काफ़ी बड़ा सहन है इसका, और हर तरफ कमरे ही कमरे हैं। काफ़ी कमरों की खिड़कियाँ खुली हुई हैं आप देख सकते हैं, और इसके काफ़ी फ्लोर हैं अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3। अच्छा तो दोस्तों खिड़कियाँ मेरे ख्याल में अंदर से बंद हैं, चले मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। और ये हम इसके जो हैं फर्स्ट फ्लोर पे हैं,
और अब हम इसके सेकंड पे आए हैं। आप देख सकते हैं खिड़कियाँ खुली हैं और ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर दोबारा ऊपर को आती हैं। ये हमारा जो है सेकंड फ्लोर का फर्स्ट बड़ा कमरा है। आप देख सकते हैं काफ़ी देर के बाद खोला है और ताऊ जी भी देख के हैरान होंगे जैसे किसी ने कुरेद के निकाला होता है। ताऊ जी यहाँ पे तो कोई आता नहीं है ना, तो ये कैसे हुआ? पता नहीं हुई किस तरह हो गया है। अच्छा तो दोस्तों सोचने की बात ये है कि ये जगह काफ़ी टाइम से बंद भी है और बड़ी भी है और इसमें असेब भी है। ये वाली जगह जो है ये सेकंड फ्लोर को लगती है और इस फ्लोर में जो बड़ा कमरा है उसके अंदर दो तीन कमरे हैं, उसमें से एक हमने ओपन किया। बहुत हैवी महसूस हो रहा है यहाँ पे, यकीन करें ये जगह जो सालों से बंद हो, इतनी बड़ी हवेली का एक छोटा सा कमरा कि कैमरे को मैं अपने अगर बेड के नीचे घुमाऊँ तो जगह जगह पे। हाँ शिट दोस्तों, भाई गीजर नीचे टूटा पड़ा है, गिरा है ना, जब जगह काफ़ी देर से बंद हो। हाँ शिट ये गीजर भी गिरा हुआ है। तो जी ये क्या ख्याल है, यहाँ पे देखभाल नहीं है यहाँ के ना, तो क्या क्या होते रहते हैं यहाँ पे? सही। तो जी आपने यहाँ पे आपने क्योंकि किराएदारों को भी काफ़ी दफ़ा जगह दी है, तो कोई किराएदार ने आपको कोई वाक्य सुनाया हो? बस वो रात को बताते हैं कि इधर अजीब अजीब सी आवाज़ें और अजीब अजीब से मामलात होते हैं। सही। अच्छा जी, तो जी कोई एक वाक्य जो आपने आप बता सकें लोगों को? बस ऐसा ही है कि ये असल में जब अंधेरी रातें होती हैं ना चांद के बगैर, फिर बहुत ज़्यादा इधर ना खौफनाक जी आवाज़ें आती हैं बस। अच्छा अच्छा जी सच्ची दोस्तों, ये हिंदुओं की आर्किटेक्चर की आला तरीन मिसाल, ये आप बिल्डिंग में वहाँ जगह देख सकते हैं, क्या कमाल की इसमें नक्शागिरी और कारीगरी से बनाया हुआ है। 200-250 साल पुरानी ये हवेली जो कि अभी तक मजबूत तरीन है। आप देख सकते हैं इसमें से मेरा नहीं ख्याल गया मुझे कोई एक छोटा सा ईंट का ब्लॉक गिरा नज़र आ रहा हो। हो सकता है पहले यहाँ पे पूजा वगैरह भी की जाती हो, क्योंकि ये 1947 से हमारे पास है। ताऊ जी आप आ रहे हैं? ताऊ जी नहीं आ रहे, ताऊ जी नहीं आ रहे, मुझे लगता है मुझे खेल लेके जाना पड़ेगा। शिट यकीन करें चाहे दोपहर के 3 बजे हों लेकिन खौफ बहुत है इस जगह में, क्योंकि ये बेमिसाल। देखें मैं अब ये तो नहीं कहता है कि जो हॉरर मूवीज़ बनाते हैं, जो लोग हॉरर मूवीज़ बनाते हैं वो लोग अब रियल बनाते हैं कि नहीं, लेकिन मैं उनको अगर कोई देख रहा है तो गाइस ये वो रियल जगह है जो जिसकी आपको तलाश है, क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है, इतने कमरे हैं इसमें कि बता पाना भी मुश्किल है। अभी तो इसको हवा के लिए खोला हुआ है मुकम्मल। तो चलिए फिर इस फ्लोर से हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके जो है ये हम ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट छोटा फ्लोर है उसके साथ लगता है और ये इसका सेहन है। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये ऊपर को सीढ़ियाँ जाती हैं और ये इसका बड़ा कमरा है, इसके अंदर भी 2-3 बड़े कमरे हैं और शायद ये अंदर से बंद है, पता नहीं इसको कैसे किया हुआ है अंदर से बंद। मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बाहर से तो लॉक लगा नहीं हुआ लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा, शायद अंदर से ये बंद हो क्योंकि इसके बाहर वाला दरवाज़ा भी लॉक है, तो मैंने सोचा शायद खुला होगा ये, अभी अंदर से बंद है इसका, पता नहीं क्या हिसाब किताब होना है। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से, यार यहाँ पे तो मुझे अकेले बहुत खौफ आ रहा है, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। और ऊपर देखिए हमारा सेकंड यहाँ पे है फर्स्ट, और ये हम आगे सेकंड।
बस इस तरह लगता जिस तरह रात में ना कोई बच्चे पींक झूट रहे होंगे। और जनाब ये आप देख सकते हैं खिड़की के अंदर की खिड़की है, उसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पे एक पींक होती थी यहाँ पे, और यहाँ पे ये छोटा सा एक कमरा दिया हुआ था किराएदारों को, जिनका कहना था कि एक दफ़ा रात के टाइम जो थी किराएदार की जो वाइफ थी वो उठी, उन्होंने कहा कि मुझे बच्चे ना वहाँ पे झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बंदे ने कहा कि वो जानने वाले हैं, कोई बात नहीं आप सो जाओ। तो ये कहानी में तायाबू ने मुझे बताई है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो मुर्गियाँ हैं ये साथ वाली किसी इतनी बड़ी जगह सारी से पहले खाली पड़ी थी, तो साथ वाले ने रख ली हैं बड़ी सारी सेहन में। आप जगह भी देख सकते हैं काफ़ी सुनसान लग रही है। दोस्तों मैंने तो अपने तायाबू को भेज दिया यार, और मुझे ना खौफ आना शुरू हो गया अकेले में, यकीन करें इतनी सुनसान जगह में। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कोई बात नहीं, एक दिन दोस्तों ये ख़तरनाक कमरे में मैं जा रहा हूँ उस टाइम, शिट 100% गारंटी है कि इस यहाँ पे कोई है। मैं इसका ये दरवाज़ा बंद करता हूँ। और तीन दरवाजे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। मेरे साथ बचपन में ना यार ये वाकया हो चुका है, दरवाज़ा देख के मुझे वो याद आ गया। एक दफ़ा बचपन में ना मगरिब का टाइम था और मैं छत पे गया, वो कोई पुराना घर था किराए का ना, उसका मैंने दरवाजे को पुश किया तो उसको अंदर से किसी ने खींचा जोर के, शुक्र है बाहर से कुंडी लगी हुई थी, तो मुझे दरवाज़ा देखे ना वो सीन याद आ रहा है। अब मैं पुश कर रहा हूँ, मुझे ऐसा सी फील हो रहा है कि दोबारा कोई वैसे ही खोल देगा। तो चलिए बाहर जाने का दरवाज़ा, और रोशनी देख के सुकून आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।